नमस्कार दोस्तों, मैं राजनारायण एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ, एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आप लोगों ने रक्षाबंधन त्यौहार पर पर्व पर तमाम रोचक कहानियाँ सुनी होंगी, तमाम वीरता बहादुरी से कहानियाँ सुनी होंगी, कभी भाई बहन को बचाते हुए, कभी बहन भाई को बचाते हुए। एक ऐसी भी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ जिसको आपने सुना है, लेकिन उसके आगे की कहानी, उसके आगे की जानकारी आपको आपके साथ मैं जोड़ रहा हूँ। आइए सुनते हैं। एक बहन ने अपने भाई को मदद के लिए रक्षा सूत्र भेजा, पत्र भेजा कि भाई मुझे बचा लो, मेरे राज्य को बचा लो। भाई जब बचाने के लिए आगे बढ़ा तो, लेकिन समय से जब नहीं पहुंचा तो उस रानी ने, उस बहन ने जौहर प्रथा कर ली, अपने आप को समाप्त कर लिया, अपनी इज्जत और अस्मिता बचाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए अग्नि में भस्म हो। फतेह तो जिल्ले लाही की तलवार की हमजोली और कदमों की कनीज है। अल्लाह ने एक और फतेह आपके दामन में डाल दी है। लीजिए आलम पनाह, परचम हाजिर है, अपनी तमन्ना पूरी फरमाइए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हुमायूं और रानी कर्णवती की कहानी सुनी होगी, भाई बहन के स्नेह के बंधन की बात सुनी होगी। उसके आगे की कहानी को, रोचक कहानी को मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। रानी कर्णवती ने जब देखा कि बहादुर शाह, गुजरात का जो शासक था जिसने गुजरात पर आधिपत्य जमा लिया था, उससे बचने के लिए, उसके आक्रमण से बचने के लिए रानी कर्णवती ने हुमायूं को पत्र लिखा, दिल्ली के शासक हुमायूं को पत्र लिखा और पत्र लिखकर मदद मांगी, रक्षाबंधन का सूत्र भी भेजा। हुमायूं ने आश्वासन दिया कि बहन मैं आ रहा हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा संदेश मिला, तुम्हारा रक्षा सूत्र मिला और पहली बार किसी भारतीय बहन ने मुझे भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मदद के लिए वो दिल्ली से मेवाड़ की तरफ कूच कर गया, बचाने के लिए अपनी बहन की इज्जत और अस्मिता के लिए, जो रानी कर्णवती ने हुमायूं को भाई के रूप में माना था। उधर से गुजरात से आक्रमण के लिए तैयार बहादुर शाह बढ़ता गया, उसकी लाओ लश्कर थी, बड़ी सेना थी। बड़ी सेना होने के नाते उसने चारों तरफ से मेवाड़ को घेर लिया, घेरने के बाद जो है उसने आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक युद्ध होता रहा। युद्ध होते हुए रास्ते में हुमायूं फंसा रहा, हुमायूं मदद के लिए जब नहीं पहुंच पाया, रानी कर्णवती को लगा कि अब उनकी इज्जत और अस्मिता बचने वाली नहीं है, क्योंकि बहादुर शाह अगर महल में घुस गया तो कितने सारे लोगों के कत्ले आम होगा, महिलाओं के साथ बर्बर अत्याचार होगा, महिलाओं की अस्मिता और इज्जत समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए रानी कर्णवती ने राजमहल में एक बहुत बड़ा जौहर, जो प्रथा होती है जौहर प्रथा में, एक बहुत बड़ा कुंड बनाया और उस कुंड में अग्नि में समाहित हो गई अपने आप को। राजमहल की बहुत सारी महिलाएं, जो साथ में दासी थी, बहुत सारी महिलाएं थी, वो सब समाप्त हो गई, मगर समय से हुमायूं नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि अगर कभी बहन अपने भाई को रक्षा के लिए बुलाती है, अपनी अस्मिता और इज्जत के लिए भी बुलाती है, तो भाई किसी भी हाल में हो, किसी भी सूरत में हो, चाहे जैसे हो, चाहे कितना बिजी हो, चाहे व्यस्त हो आज के समय में, तो उसे सब कुछ छोड़कर अपने बहन की इज्जत और अस्मिता बचाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है भाई और बहन की पवित्रता का त्यौहार है, भाई और बहन के स्नेह का त्यौहार है, अटूट बंधन और रिश्तों का त्यौहार है। इसलिए भाई को जरूर अपनी बहन को बचाने के लिए आना चाहिए। ऐसा ना हो हुमायूं की तरह कि हुमायूं चल चुका हो, लेकिन समय से ना पहुँचने के कारण रानी कर्णवती को जौहर प्रथा करना पड़े, अग्नि में समाहित होना पड़े। आप तमाम ऊंचाइयों पर, तमाम उपलब्धियों पर कहीं पर भी जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, लेकिन जो बहन का प्यार है, बहन का स्नेह है, वो कभी कम नहीं हो सकता, वो कभी दूर नहीं हो सकता, वो कभी टूट नहीं सकता, वो अटूट बंधन है। इसलिए रक्षाबंधन को, के त्यौहार को अटूट बंधन भी कहा गया है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको बढ़िया लगा हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही तमाम इतिहास से परक रोचक कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और बगल में घंटी है, घंटी बजाना ना भूलें। नमस्कार।